पोहरी विधानसभा क्षेत्र में माँ भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पोहरी से जनसेवक कैलाश कुशवाहा शामिल रहे। इस कथा के आयोजन में काफी संख्या में भक्तगण कथा का आनंद लेते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि जनसेवक कैलाश कुशवाहा जी के कथा में पहुंचने पर वहां मौजूदा लोगों ने उनका स्वागत किया और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया है। लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कैलाश कुशवाहा जी ने उनके इस विश्वास पर खड़ा उतरने का वादा भी किया है। परम माननीय परम अद्भुति भगवान अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की अश्रीम अनुकृपा से इस गांव के, इस नगर के, इस बस्ती के धन्य भाग्य है हमारे ऐसे भोले भाले श्री देसाले एवं परम चतुर आज श्री कैलाश चंद्र जी कुशवाहा के इन शब्दों से सुन करके हम एक ही ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए व्यास मंच से हम भगवान की ओर से परमात्मा की तरफ से बधाई देते हैं। बधाई सुंदर तालियों से की जाएंगी, सभी लोग तालियों से बधाई खाएं। और सभी जितनी जनता आई हुई है सभी से हमारा ये अनुरोध है कि इस बार हमारे भाई साहब कैलाश नारायण कुशवाहा जी हमारे पार्टी श्री कांग्रेस में पधारे हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे टिकट लेने के उम्मीदवार हैं। परमात्मा से हम ये आशा रखेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, अब की बार इस चुनाव में भैया को ही टिकट मिले तो धन्य है। और यदि टिकट मिल गया तो ऐसा नहीं कि वो टिकट वृथा चला जाए। भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पल जाए ठीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। ये हमारा भी आशीर्वाद है व्यास मंच से, अब की बार हमारे भैया कैलाश का ही नंबर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन मन और धन से, जैसे भी हमारे पास धन नहीं है तो तन है, शरीर है, शरीर के साथ मन लगा दो और मन के साथ जिस भाई के पास धन है वो धन भी जुटा दो। यदि इस प्रकार सभी लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित ही कैलाश भैया की ही जीत होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।